इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक और सत्यपरक है। देहरादून के निवासियों, आपने कभी ना कभी केनाल रोड पर सफर तो किया ही होगा, लेकिन कभी सोचा है केनाल रोड का नाम केनाल रोड क्यों पड़ा? तो चलिए इसकी वजह खोजने हमारे साथ आज के पहले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के पहले एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं रिस्पना नदी पर स्थित ये पुराना बैराज, जिसकी उम्र करीबन 200 साल पुरानी है। यहीं से केनाल शुरू होती है और सीधा जलाराम तक जाती है। कैप्टन कॉटली ने 1840 में इस बैराज का निर्माण कराया, जिससे पानी इस 34 किलोमीटर लंबी रिस्पना केनाल में डाइवर्ट होता है। ये ब्रिटिश एरा में बनाया गया बैराज नमूना है बेहतरीन ब्रिटिश आर्किटेक्चर का, जिसके किनारे खड़े ये सैकड़ों साल पुरानी लीची के पेड़ इसके गौरवमयी इतिहास को छाया प्रदान करते आ रहे हैं और इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इस बैराज पर दो अत्यधिक पुराने आयरन व्हील लगे हुए हैं। इसी जमाने में अंग्रेजी अधिकारी इन्हीं व्हील से इस कैनाल और नदी का प्रवाह डाइवर्ट करते होंगे। यहां से दिखने वाला रिस्पना घाटी का ये शानदार नजारा शायद ही आपने कभी सोचा होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिस्पना नदी का एग्जिट पॉइंट है और इसे इन भारी भरकम स्लुइस गेट्स के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी सदियों बाद भी ये लोहे की चेनें जंकित नहीं हुई हैं या रस्टेड नहीं हुई हैं। चलिए अब आपको इस 200 साल पुरानी ऐतिहासिक किनाल के दर्शन भी करा ही देते हैं। कई लोक कथाओं के हिसाब से राजपुर के लोग इस इलाके को बहुत डरावना भी मानते हैं, इस वजह से यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। ये जो आप नाली देख रहे हैं, यही है लापरवाही की शिकार हुई 200 साल पुरानी रिस्पना केनाल, जिसके अवशेष आपको परेड ग्राउंड के पास भी मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस बैराज का डाइवर्जन है। यहीं से पानी रिस्पना नदी से निकलकर इस केनाल में जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस केनाल की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, उत्तराखंड पीसीएस को पढ़ाई जाने वाली इतनी अद्भुत हिस्ट्री के बावजूद सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज ये खंडहर में परिवर्तित हो चुकी है और केनाल भी आप देख ही सकते हैं। किसी ज़माने में पूरे देहरादून शहर की प्यास बुझाने का जिम्मा इसी बैराज और इसी केनाल पर होता था, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ बजरी है जिसे निकालने वाला कोई प्रशासन कभी नहीं आता। इसकी दशा देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए बस एक हिस्टोरिक साइट रह गया है। देहरादून के परवानों ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा कि आपको इस गौरवशाली इतिहास से वाकिफ कराए, ताकि आप भी जान सके कि जिस केनाल रोड पर आप रोज सफर करते हैं उसके नीचे से यही केनाल बहती है। तो
दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हमारी इस सीरीज को, जो कि देहरादून के इतिहास का गौरव बढ़ाती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।